हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, ये होने वाला है ड्राइविंग लेसन नंबर 12। आप जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल में जाइए, प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी आपको 12 वीडियोस की, इंक्लूडिंग दिस वीडियो एज वेल। और 12 वीडियोस में ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल अभी तक की जो बिगिनर्स के लिए होनी चाहिए मैंने सारी एक्सप्लेन की हुई है। लाइक फर्स्ट फॉर एग्जांपल, आपकी गियर प्रैक्टिस कैसे करें आप, और इंडिकेटर्स का क्या यूज है, ब्रेक क्लच एंड एक्सेलरेटर कैसे ऑपरेट करना है, ओआरवीएम सेट कैसे करें, और जो लास्ट वीडियो मेरी थी वो थी हाउ टू एडजस्ट योर सीट व्हाइल ड्राइविंग। तो सारी की सारी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल में अवेलेबल हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके उसको देखिए, उसको एंजॉय करें, और सो दैट हम लोग सारे के सारे इक्वल चैप्टर्स पे हों, सबको पता हो कि ड्राइविंग लेसन जो आने वाला है वो किस चीज के बारे में है, और जो सारे के सारे निकल चुके हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो माई नेम इज चिराग एंड यू आर वॉचिंग मशीन एंड मैकेनिज्म। आज का टॉपिक रहने वाला है गाइस कि रोड पे आप सेकेंड गियर और थर्ड गियर कैसे डालें। अभी तक फर्स्ट गियर में ग्राउंड पे प्रैक्टिस बहुत सारी कर ली हम लोगों ने, अराउंड 20 दिन अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं ये सारे के सारे लेसन्स आते हुए। सो अब चलेंगे आज रोड पे, एंड सेकेंड गियर और थर्ड गियर कब मारनी है, क्या आपका आरपीएम होना चाहिए, कैसा आपका स्पीडोमीटर होना चाहिए, कितनी स्पीड होनी चाहिए, और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको सेकेंड एंड थर्ड गियर मारने पे। इवन विल ड्राइव वेरी स्लो, आराम से ड्राइव करेंगे। रोड पे जाने का मतलब गाइस ये नहीं है कि आप ग्राउंड से सीधा किसी हैवी ट्रैफिक कंडीशंस में पहुंच जाएं, नहीं, ट्राई करिए खाली थोड़ी जगह हो, खाली रोड्स हो, आइडिया लेने की जरूरत आपको है फिलहाल, आइडिया लेते लेते इट विल टेक 1.5 मंथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये वीडियो पहले देख चुके हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं देख चुके हैं उनको बता दूं कि गियर गाड़ी स्टार्ट करने के पहले देखिए आपकी हैंड ब्रेक ऊपर खींची हुई है, आपका जो गाड़ी है वो न्यूट्रल में है, क्लच दबाइए और अपना गाड़ी को स्टार्ट करें। फर्स्ट गियर मारने के लिए पहले आप क्लच दबाइए, हैंड ब्रेक करिए नीचे, ब्रेक पे रखिए पैर, उसके बाद फर्स्ट गियर मारिए, और क्लच छोड़ने के 10 स्टेप्स आपको याद हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सिक्स्थ या सेवन स्टेप में आपकी जो गाड़ी है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, लाइक दिस। अब मेरी गाड़ी की मूवमेंट स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। अब गाइस थोड़ा सा रोड पे लेते हैं पहले, और रोड पे ले जाने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि सेकंड गियर जो है वो कब मारनी है। अगेन आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दोबारा दे दूं, हर गियर की एक मिनिमम स्पीड होती है, इस गाड़ी की मिनिमम स्पीड है फर्स्ट गियर की 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, मतलब कि अगर मैं क्लच और ब्रेक दोनों छोड़ दूँ तब भी ये गाड़ी 10 की स्पीड पे जो है वो ऑटोमेटिकली मूव करती रहेगी इन फर्स्ट गियर। सो ये अब रोड पे हम आने वाले हैं। सो गाइज, सेकेंड गियर मारना कब है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि हाँ देखिए, हल्की सी गाड़ी मेरी, मैंने रेस दिया, अब मैंने सेकेंड गियर मार लिया, इसका मतलब अब सामने देखिए ध्यान से, अगेन आपको आई थिंक वो मिस होगी चीज, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ गाड़ी को रोक के। एक सेकंड देखिए, जो हर गियर की बेयर मिनिमम स्पीड होती है और हर गियर की एक मैक्सिमम स्पीड भी होती है कि उससे ऊपर उस गियर में गाड़ी नहीं जाएगी, बट हमको वहां तक नहीं जाना है। आपको सिंपली एक चीज ध्यान रखनी है, ये आपका आरपीएम होता है, ये 10 का मतलब होता है कि 1000 RPM पे गाड़ी इस टाइम चल रही है, राइट। सो 1500 से 2000 RPM हमेशा याद रखें, बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, 1500 to 2000 RPM के बीच में आपको गियर चेंज करनी है, सेकंड करें, थर्ड करें, फोर्थ करें, जो भी गियर डालनी है आपको, 1500 RPM से 2000 RPM के बीच में आपकी गाड़ी हमेशा होनी चाहिए। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये हैंड ब्रेक नीचे करी, लेफ्ट फुट ऑन द क्लच, राइट फुट ऑन द एक्सेलरेटर, फर्स्ट गियर ऑन, ये है मेरा आरपीएम, अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। आरपीएम है इस टाइम पे, रेस दूंगा तो 1500, एंड गियर चेंज। कुछ डिटेल में आपको नहीं जाना है, टेक्निकलिटी में आपको नहीं जाना है, सिंपल सॉबर, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर वन थिंग, गियर चेंज 1500 to 2000 RPM के बीच में आपको गियर चेंज करना है। अब देखिए, अब मेरी गाड़ी 1500 RPM से कम पे है तो मैं अपनी सेकंड गियर जो है वो चेंज नहीं कर रहा हूँ, आगे ट्रैफिक भी है, तो देखिए 1200 RPM है, सेकेंड गियर है, और इवन अब तो गाड़ियों में बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं यार, इवन मेरी गाड़ी में देखिए, अब थोड़ी सी रेस दूंगा ना, ये 2 देख रहे हैं आप, 2 यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा +3, बस जो आपकी गियर है वो आप थर्ड डाल दीजिए, दिखाता हूँ एग्जांपल, ये देखिए, ये आ गया 2+3। जो देखिए प्रैक्टिस नेचुरली होती है ना, वो यार कहीं नहीं होती है,
है ना। किताब पढ़ के कोई भी ड्राइविंग नहीं सीख पाया आज के टाइम पे, आपको ड्राइव करनी पड़ती है, मैनुअली चीजें ऑपरेट करनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके आपको ड्राइविंग आती है। सो अगेन एग्जांपल देंगे, अब दोबारा गाड़ी को रोकते हैं पहले और पीछे ट्रैफिक है वो निकल जाए थोड़ा सा, उसके बाद आपको मैं एक और एग्जांपल दूंगा। सो अगेन गाड़ी जब भी रोकें ये न्यूट्रल चेक करके अपनी हैंड ब्रेक को ऊपर खींच दीजिए और उसके बाद आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं जहाँ भी आपको गाड़ी रोकनी हो फॉर लाइक मिनट और टू मिनट्स व्हाटएवर। राइट, सो थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो गया गाइज, अब इसको करते हैं हैंड ब्रेक करते हैं नीचे, लेफ्ट फुट ऑन द क्लच राइट ऑन द एक्सेलरेटर, फर्स्ट गियर ऑन एंड गाड़ी करते हैं स्टार्ट। ये मेरी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अब अगेन 1500 RPM, सेकंड गियर चेंज्ड। सो चलते रहिए, थर्ड गियर मारने की जरूरत जब पड़ेगी मैं आपको खुद इन्फॉर्म कर दूंगा और कैमरा जो है वो नीचे की तरफ ले आऊंगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए, अब मैंने ब्रेक मारी, क्लच दबाया हुआ है तो मैंने कर दी गाड़ी न्यूट्रल पे। यहाँ मुझे मोड़ मुड़ना है, अब जैसे ही मैं मोड़ मुड़ूंगा उसके बाद मैं गाड़ी की फर्स्ट गियर डालूंगा और क्लच आराम आराम से छोड़ूंगा ताकि जर्क ना लगे गाड़ी में। ये देखिए 2000 RPM एंड गियर चेंज, 2000 RPM गियर चेंज, थर्ड पे आ गया। अब अगेन 2000 RPM के पास पहुंचते ही मैं कर दूंगा अपना फोर्थ गियर। सिंपल सॉबर एक चीज बताइए मैंने आपको, इसी पे ही अमल करें फिलहाल, ज्यादा डिटेल में ना जाइए कि थोड़ा सा RPM अपर भी हो बॉटम भी हो चलता है नहीं चलता है, डोंट गो ऑन दैट ट्रैक राइट नाउ, अभी कोई जरूरत नहीं है, बिगिनर्स के लिए वीडियो है। और सिर्फ ध्यान रखना है इतना ही कि चेंज योर गियर व्हेन योर RPM इज इन बिटवीन 1500 to 2000 RPM। तो आपको सिंपल एक चीज याद रखनी है फिलहाल, गियर चेंज करना है 1500 से 2000 RPM के बीच में, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ पे जाने की जरूरत आपको फिलहाल नहीं आएगी, मैक्सिमम थर्ड पे ही आप रखें गाड़ी को और स्लो एंड स्टडी गाड़ी को ड्राइव करें। टॉपिक से चेंज नहीं होते हैं, स्टिक टू द ट्रैक। आप ये वीडियो जो देख रहे हैं फिलहाल, ये जो प्रैक्टिस है आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 11 लेसन्स खत्म होने के बाद ये 12th लेसन है। जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है प्लीज डायरेक्टली ये जो वीडियो है देख के ड्राइव इस तरीके से करना स्टार्ट मत करिएगा, पहले आप लेसन्स जो पुराने हैं वो सारे के सारे देख के उन्हें प्रैक्टिस करें और उसके बाद जाके ये लेसन जो है इस पे आप आइए। राइट, अगेन गाड़ी को करते हैं स्टॉप, स्टॉप करने से पहले लेफ्ट ORVM देखिए, राइट ORVM देखिए, उसके बाद जाके गाड़ी को स्टॉप करिए लाइक दिस, कोई नहीं आ रहा पीछे और आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। राइट, IRVM एंड ORVM आपकी आंखें हैं गाड़ी की, इसको हमेशा ध्यान रखना है आपको, जब भी गाड़ी रोकें पहले यहाँ पे देखिए कोई पीछे आ तो नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए कोई पीछे आ तो नहीं रहा है, फिर उसके बाद जाके इंडिकेटर देके आप गाड़ी को पार्क करिए। सो अगेन एग्जांपल स्टार्ट, ये हैंड ब्रेक करते हैं नीचे, लेफ्ट फुट ऑन द क्लच राइट ऑन द एक्सेलरेटर, फर्स्ट गियर मार दी मैंने और ये है मेरा RPM। RPM अभी स्टार्ट होगा, गाड़ी जब मूवमेंट स्टार्ट करेगी अब ये धीरे 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 ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और ये गया 2000 RPM और गियर चेंज, अगेन 2000 RPM गियर चेंज, अगेन 2000 RPM गियर चेंज, मतलब 2000 में बोल रहा हूं पर 1800-1700 के आसपास ही मैं गियर चेंज कर रहा हूं। सो गाइस ये है अभी फोर्थ गियर पे गाड़ी चल रही है और देखिए स्पीड इज अराउंड 40 km/h और देखिए गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। राइट, अब टाइम पे गियर शिफ्ट करते हैं ना तो गाड़ी की जो एवरेज है गाड़ी की ओवरऑल हेल्थ जो है ना वो आपकी हमेशा अच्छी रहेगी और माइलेज गाड़ी की अच्छी है तो गाड़ी की हेल्थ अच्छी है, सिंपल एज दैट। अगर गाड़ी की माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है उससे बहुत ज्यादा नीचे अगर आपकी आ रही है, कंपनी मान लीजिए क्लेम करती है 12 और आपकी 4-5 दे रही है, तो ओवरऑल हेल्थ इज नॉट रियली गुड ऑफ योर कार, प्लीज टेक केयर ऑफ इट, टाइम पे सर्विस कराएं और सेकेंडरी गाड़ी को बहुत ही पोलाइट तरीके से चलाएं, हार्शली गाड़ी को ड्राइव ना करें। सो गाइज ये है आज का सेशन, सो ये थी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो के साथ, टिल देन थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद।